तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते। इतना झूठ मत बोलो, तुम बिके हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। इसी सिलसिले में जब अखिलेश पन्ना पहुंचे तो उनकी एक पत्रकार से बहस हो गई। दरअसल रैली के बाद जब अखिलेश पत्रकारों से बातचीत के लिए आए तो उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि योगी आदित्यनाथ आपको टोटी चोर कहते हैं। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और पत्रकार को बीजेपी का एजेंट तक बता डाला। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते हैं, चोर का आरोप लगा दो, अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। मैं पत्रकार तुम्हें, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो सर, सर, सर। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? सर नूर काजी है। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी है। नूर काजी मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं नहीं सर, आरोप लगाया गया आपके ऊपर। नहीं नहीं, गलत बात। इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश ने इस तरह से अपना आपा खोया है। वो पहले भी कई बार पत्रकारों और पुलिस कर्मियों पर भड़क चुके हैं, जिस तरह इस बार वो भड़के हैं। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते हैं, चोर का आरोप लगा दो, अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो सर, सर, सर। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? सर नूर काजी है। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी है। नूर काजी मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाया गया आपके ऊपर। नहीं नहीं, गलत बात। इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। नहीं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, इधर सुन, ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है समाजवादी और मनुवादी की। शांत रहे, जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर, सोचो बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया, क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों? और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.